लाइव मेलोटी आरसीबी को लगा बड़ा झटका, जीत की राह पर लौटने वाला ये खिलाड़ी शेष आईपीएल से बाहर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आरसीबी अपने आखिरी 3 मैच जीतकर आखिरकार लाइव में लौट रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को बड़ा झटका लगा है। चोटिल नाथन कुटरनाइल की जगह 9 साल बाद आरसीबी में लौटे डेल स्टेन भी चोटिल होकर आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। स्टेन कंधे की चोट के कारण किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ आखिरी मुकाबला नहीं खेल पाए थे, चोट के कारण बाहर हुए स्टेन। बताते चले कि स्टेन इस सीजन में सिर्फ 2 ही मैच खेल पाए हैं, जिसमें उन्होंने 2-2 विकेट चटकाए हैं, लेकिन सही समय पर विकेट निकाल कर लगातार मैच हार रही आरसीबी की जीत की राह पर ले आए। आरसीबी के चेयरमैन संजीव चुड़ेवाला ने साफ किया है कि स्टेन कंधे की चोट के कारण अगर आगे मैच नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। ऐसे में नाजुक मौके पर स्टेन को चोटिल होना आरसीबी के लिए बड़ा झटका है, जिन्होंने आरसीबी की गेंदबाजी में नई जान फूंक दी थी। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जीतने पड़ेंगे सारे मैच। 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर खड़ी आरसीबी अगर प्लेऑफ में जगह बनाती है तो उसे बचे हर मैच में अच्छे रन रेट से जीतना होगा। तब भी अगर कोई उलटफेर हुए तो नेट रन रेट के आधार पर जगह बना सकती है। इसके अलावा इसे उम्मीद करनी होगी कि सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स इलेवन पंजाब और केकेआर जैसी टीमें सभी मैच हार जाएं। एक बार फिर से आरसीबी की को कोहली और डिविलियर्स जैसे बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि गेंदबाजी इस सीजन में इस टीम की समस्या रही है, जिसमें चहल के अलावा किसी और ने प्रभावित नहीं किया है। दोस्तों, क्या स्टेन के जाने से आरसीबी को नुकसान होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।